मेरा नाम केसरीमल कुमावत है और 80 साल से ऊपर की मेरी एज है। मैं चित्तौड़ किले पर रहता हूँ और मैं नागचंद्रेश्वर महादेव 18 साल से निःशुल्क सेवा दे रहा हूँ। तो मुझे लोग पर्यावरण प्रेमी, रूख भाईला, वृक्ष मित्र और कई तरह से नाम लेकर के पुकारते हैं, लठधारी या दूसरी तरह से कई तरह से नाम पाठ रखे जो लोग जिस नाम से पुकारते हैं, मैं सभी नाम से उनको कहता हूँ ठीक है। सारा दैनिक कार्यक्रम जीवन वगैरह मेरे नित नियम के हिसाब से चलता है, इसलिए मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और सेवा का ही काम करता हूँ मैं, बस निःशुल्क सेवा। ऐसा है पर्यावरण जो है ना, इसके लिए ये राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करना चाहिए। पर्यावरण जैसे जैसे आदमी बढ़ेगा वैसे वैसे पर्यावरण जो है दूषित होगा, क्योंकि आदमी की आवश्यकता के अनुसार वो मोटरसाइकिल भी खरीदेगा और ईंधन भी करेगा, पेट्रोल भी जलेगा, वायुमंडल खराब होगा। इससे तो है जैसे आदमी बढ़ेगा वैसे ही पर्यावरण जो है अशुद्धि होगी। तो उसके लिए साथ ही साथ जो ही जो समस्या उत्पन्न हो उस समस्या का समाधान के लिए भी तो काम करना चाहिए हमें। वो काम ये है, पेड़ पौधे लगाना सबसे श्रेष्ठ काम है वायु प्रदूषण के लिए, तो पेड़ पौधे लगाने का संकल्प करना चाहिए। बहुत सारे करते हैं लेकिन नाम मात्र के लिए नहीं होना चाहिए ये। कोई कहता है मेरे जन्मदिवस पर मैंने एक पेड़ लगाया, लगा करके अखबारों में फोटो आ जाते हैं, लेकिन फिर वो उसकी सेवा नहीं करता तो फिर मर जाता तो किस काम का वो। नहीं तो उसकी सेवा पूरी करनी चाहिए, संकल्प कर ले कि मैं 10 साल में एक लगाऊंगा। आदमी 100 साल जिए तो 10 पेड़ लगा के मरे और बड़े करके मरे उनको, तब उनकी संतुष्टि होगा। मैंने अपने जीवन में काटे कितने ही पेड़ होंगे लेकिन लगाया नहीं होगा एक ही। तो अब ये संकल्प करना चाहिए कि भाई मेरे को बच्चे के जन्मोत्सव पर है, अच्छा मृत्यु के वक्त भी लोग पैसा निकालना चाहिए पर्यावरण की शुद्धि के लिए, कि भाई आदमी मर गया तो मैं इनके उपलक्ष्य में ये करूँगा, जैसे 10 पेड़ लगाऊंगा, 5 पेड़ लगाऊंगा, 2 पेड़ लगाऊंगा, ऐसा संकल्प करना चाहिए। ताकि वापस जहाँ हमें को विकार पैदा हो तो उसको समाधान भी साथ का साथ ही करना चाहिए, ताकि हम उससे विकार से बच सकें। ये अच्छे ऐसे हर आदमी को अपने जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य लेकर चलना चाहिए। परोपकार, परोपकार ही बहुत बड़ी अच्छी बात है, सेवा। आप अभी एक अखबार में आया था कि सेवा, और वो एक साधु था जो उसने वो चेले को पूजा पाठ कर रहा था, उसको आवाज़ दी भाई आया, तो वो कहे मैं तो पूजा पाठ प्रार्थना करता हूँ, अभी थोड़ी देर से आऊँगा गुरुजी को कह देना। फिर दोबारा बुलाने गया, फिर उसने यही बात कही। फिर जब वो उठ के आए कि साहब आपने आवाज़ क्यों दी, तो उन्होंने कहा कि आपकी पूजा से ज़्यादा सेवा का महत्व है, मेरे पास ये रोगी आया है इसको दवा देनी है और इसकी सेवा करनी है, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसने मतलब पूजा पाठ से भी ज़्यादा सेवा का मौका बनाया। इस जनमानस की सेवा करना बहुत बड़ी भारी बात है। लोग छोटे से छोटे काम की भी सेवा समझते हैं, किसी कमज़ोर आदमी को सड़क पार कराना, किसी कमज़ोर आदमी को हाथ पकड़ के दूर ले जा करके उसकी कहने के अनुसार काम करना। अब लोग अपने बड़प्पन में समझते हैं, आजकल के पेंट सूट में रहते, अरे छोटे आदमी को मैं कहाँ, गंदे आदमी को हाथ पकड़ के सड़क पे ले जाऊँ, वहाँ ले जाऊँ, वो कह रहा कि मेरे को थोड़ा वहाँ छोड़ देना भैया, ऐसा कोई लोग मानते ही नहीं है, हट हट करते हैं। इसी तरह से जो है हर एक छोटी मोटी सेवा भी संकल्प करना चाहिए। तो छोटी छोटी सेवा ही आप दिन में 2, 4, 5 आदमियों को कोशिश कीजिए, चाहे बात से करो, कर्म से करो, या उसको मार्गदर्शन करके करो, तन मन और धन से उसकी सहयोग करना चाहिए, ताकि हमारा उद्देश्य कि भाई सारा संसार सुखी रहे तो कैसे रहेगा। हर एक आदमी एक दूसरे की सेवा करेगा तभी तो जाकर के सब खुश रहेंगे। किसी को क्या तकलीफ है, किसी को क्या तकलीफ है, किसी को क्या तकलीफ है। कोई देख रहा है मैं जैसे आप जर्सी पहना हूँ, सर्दी लग रही है, और कोई कमज़ोर आदमी है, हो सकता हमने आधे दिन पहन ली, वो फटी हुई नहीं पहन सकता, तो उसको भी कहना चाहिए भाई तो जाए, तो उसका भी फायदा उठा, हम तो और खरीद सकते हैं, सक्षम है, तो उनको ऐसी सेवा करनी चाहिए। किसी को खाने की समस्या, किसी को कपड़े की समस्या, किसी को किसी की समस्या है, उसका सब समाधान होना चाहिए। अब सरकार ने सब कुछ निकाल रखा है कि भाई 8 रुपये में भोजन मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है, लेकिन जो आदमी भूखा उसको देने कौन जा रहा है, वो वहाँ भोजन के वहाँ लेने नहीं आ रहा, तो उसको वहाँ कौन पहुँचा रहा है। पहुँचाने के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए कि जहाँ जिस आदमी को आवश्यकता उसको देना चाहिए, और जिसको आवश्यकता नहीं है
तो पैसे वाले को तो दुनिया भर के पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन गरीब को कोई देने के लिए तैयार नहीं। और गरीबों को पैसा देते हैं तो उसका दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग क्या करते हैं? शराब पीते हैं, अयाशी करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। आवश्यकता तो आपको जितनी है उतना मांग लो, उतना अपना काम चल जाए, कल की बात कल दिखी रहेगी। परमात्मा सबको चांस ही चुका देगा, ये थोड़ी आवश्यक है कि भाई ठीक है। भगवान सबकी पूर्ति करता है। इस संसार में सबको जिलाने का करने का उसकी जिम्मेदारी है, किसको क्या देना, किसको कब देना, किसको क्या करना। शेर को अपने 3 दिन में भी शेर को अपने खाना मिलेगा, मिलेगा चींटी को भी मिलेगा, हाथी को भी मिलेगा, घोड़े को भी मिलेगा, वनस्पति को भी मिलेगा, सबको मिलेगा कुछ न कुछ। तो उस परमात्मा को सारे संसार की चिंता है, अपने को अपने परिवार की चिंता है, अपने समाज की चिंता है। हमारा दायरा छोटा है, संकुचित है, लेकिन ईश्वर का तो दायरा सारा संसार जो है वो उसको चला रहा, तो उसकी मर्जी से कि भाई किसको क्या देना उसको सब मालूम है, कहने की जरूरत नहीं है। वो जानता है किसको किसकी आवश्यकता, उसकी पूर्ति कर दे। और नहीं है तो वैसे ही वो उसकी जीवन निकल रहा है। उसको कोई लोभ नहीं, लालच नहीं, कुछ नहीं। तो इस तरह से हर आदमी को संकल्प लेना चाहिए, जब अपनी हम खाने कमाने लग जाए तो हमारे उसका अंश भी थोड़ा जनता सेवा में लगाना। ये सारा जनमानस है, शत्रु को भी आप मित्र समझो। एक दिन ऐसा आएगा, मेरे खुद के जीवन का प्रयोग बताता हूँ। अभी हमारे मैंने एक संकल्प किया था कि यार ऐसा है, मैंने कहा बार 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 वो कह देंगे रसरी आवत जाता है सिल पर परत निशान। रस्सी इतनी कोमल होते हुए भी पत्थर को घिसा देती है। तो मैंने प्रयास किया तो उसमें मेरे को सफलता मिली, तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि जो मैंने संकल्प किया गया ये करना ये करना ये करना, मैं पीछे पड़ गया उसके। आखिर में वो हाल होकर नेगेटिव हो गया। जो ना 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 एक झूठ को आप 100 बार बोलोगे तो 100 बार में सच हो जाएगी, और एक सच को आप 100 बार बोलोगे तो झूठ बन जाएगी। ये संसार जमाना ऐसा ही है, जहाँ जाओगे वहाँ पर आज यही समस्या चल रही है। लेकिन हर आदमी झूठ जाल झपट कब तक करेगा भाई? बचपन में माता पिता के सहारे रहेगा, खाएगा कमाएगा, या कोई उसको दूसरा आश्रय देगा। लेकिन बड़ा होने के बाद जवानी में खूब कमाएगा, उसको कहो राम नाम रटो तो अरे राम नाम तो बुद्धे होंगे जब रटते रहेंगे अपने आप। लेकिन जो सुख में सुमिरन करे दुख में काय को होए, तो जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काय को होए, तो सुख में तो लेते ही नहीं नाम, फिर वृद्धावस्था में अरे राम करता है। तो इससे अच्छा है कि पहले से ही आप अभ्यास कर लो, राम नाम रटते रहो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी उतर रही भव सिंधु अपारा। और हर एक में शत्रु में कुत्ते में बिल्ली में अपने दत्तात्रेय जी ने 52 गुरु बनाए, कुत्ते को भी एक गुरु बनाया, उससे भी शिक्षा ली है। एक कान जितनी की रोटी डाल दो पूरे दिन भर आपके घर की चौकीदारी करेगा वो, जीवन भर इतनी रोटी आप रोज डालते रहो, जिस दिन चोर आएंगे उस दिन वो अपनी पूरी अदा कर देगा, सेवा भौंकेगा, मालिक को उठा देगा, सचेत कर देगा। तो इंसान में वो गुण भी आना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने 52 गुरु किए हैं, तो कुत्ता भी उसमें गुरु है। वृक्ष से भी आप सीखो, सर्दी गर्मी और बरसात तीनों में ठंड होके खड़े रहते हैं, कितनी गर्मी पड़ती है कितनी सर्दी पड़ती है। हम सर्दी को बचाने के लिए कपड़े पहन लेते हैं, कर लेते हैं, गर्मी में हम पंखे चलाते हैं, बरसात में हम मकान की छत के नीचे चले जाते हैं, पेड़ उठ करके कहाँ भागते हैं। इनसे सीखो, आपको चाहे कितनी बरसात हो, कितनी ओले पड़ो, कितनी सर्दी पड़ो, कितनी पड़ो, पतझड़ कर देते हैं, आप पत्थर मारोगे आपको फल देगा। अरे उसका गुण देखो, आप पत्थर मारोगे तो फल देगा, ले भाई फल का। तो हमें को भी ऐसा होना चाहिए कि जो हमको प्रताड़ना दे रहा है, या हमारा शत्रु है या हमारा विरोधी है, उसको आप ऐसे नम्रता से बात करो कि बिल्कुल जो है सच बोलो तो भाई बिल्कुल ठीक है, सांच बोलो तो परमात्मा आपके हृदय में है ही है, नहीं बोलो तो ठीक है, बाकी क्या है। सांच को क्या आँच है, सत्य हमेशा सत्य पराजित होता है, परेशान होता है, पराजित नहीं होता कभी, सत्यमेव जयते। लेकिन आज तो जिस संसार में जाओ साथ आदमी केवल झूठ के सिवाय कोई काम नहीं, झूठ से दुनिया चल रही है। आज की दुनिया में 3 आदमी ऐसे हैं जिसके ऊपर ये सारा चल रहा संसार, काला कोट, खालकी कोट,
और ये पुलिस वाले और वकील और डॉक्टर, ये तीनों आदमी जो कुछ लिख देंगे उसको परमात्मा भी नहीं टाल सकता। सिर्फ एक राष्ट्रपति को अधिकार है जो फांसी को माफ़ कर सकता है, बाकी किसी को अधिकार नहीं। जो बेस बन गया, पैसा भी खा जाएंगे और काम भी नहीं करेंगे आपका। तो हर आदमी को ये संकल्प करना चाहिए अपने जीवन में कि हम कुछ न कुछ समाज सेवा के लिए, प्राणी मात्र को जिसमें नर और नारायण, शत्रु को भी आप परमात्मा का, वो घर के बाहर आ गया तो उसको समझोगे जैसे भगवान मेरे घर आ गए, उसको उसी तरह से सम्मान दो और उसी तरह से उसका आप आदर करो, तो आखिर एक दिन शत्रु भी झुक जाएगा, शत्रु भी नमन करेगा आपको, बिल्कुल करेगा नमन कि भाई ये वास्तव में मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। दुर्व्यवहार ईंट का जो पत्थर से दो, ये कोई उसका अर्थ नहीं होता है। सिर्फ आप जो है उसके साथ नम्रता से पेश आओ तो वो अपने आप झुक जाएगा, शत्रु भी झुक जाएगा, यार एक दिन सरेंडर हो जाएगा उसके मन में, भगवान कभी हृदय में बैठ के करेंगे कि भाई ठीक है, वो भी शत्रु नमन करेगा।